नमस्कार, मैं हूं आंचल मित्तल और आप लोग देख रहे हैं तेज तर्रार। गर्मियां शुरू होने वाली है और जल्द ही तापमान भी 40 डिग्री से अधिक होना शुरू हो जाएगा। सड़कों पर चलने वाले लोग पसीने से तरबदर होने लगेंगे। ऐसे में डॉक्टरों का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी और अधिक ही बढ़ेगी, जिसके चलते लोग गर्मी से बचाव का सहारा भी लेंगे। गर्मी से बचाने में लौंग खासी गुणकारी साबित हो सकती है। लौंग से ही बना लौंग का पानी गर्मियों में किसी दवा से कम नहीं है, मगर इसका सेवन करते समय इसके कुछ नुकसान भी जान लेना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले लौंग के कुछ फ़ायदों के बारे में जानते हैं। पहला फ़ायदा, पाचन तंत्र सुधारे। गर्मी अधिक होने पर सबसे पहले पाचन तंत्र ही गड़बड़ा जाता है। लौंग का पानी पाचन तंत्र में सुधार करता है। हर दिन खाली पेट इसका सेवन बहुत अधिक लाभकारी माना जाता है। खाली पेट लौंग खाने से भी एसिडिटी में भी खासी राहत मिलती है। दूसरा फ़ायदा, स्किन के लिए लाभकारी। गर्मी के मौसम में ये स्किन के लिए भी बेहद लाभकारी हो सकती है। गर्मियों में अक्सर सनबर्न जैसी परेशानी हो सकती है। जो लौंग का पानी पीने का प्रयोग करते हैं उन्हें स्किन संबंधी समस्या कम देखने को मिलती है। इसके पीछे वजह लौंग में एंटी एजिंग, एंटी ऑक्सीडेंट्स और एंटी फंगस गुणों का भरपूर होना है। अब आएंगे तीसरे फायदे पर, मुंह के छालों में फ़ायदेमंद। आमतौर पर मुंह में छालों की समस्या सभी ने देखी होगी। इस रोग में लौंग बेहद लाभदायक मानी जाती है। लौंग का तेल लगाने या मालिश करने से काफ़ी आराम मिल सकता है। लौंग चबाकर खाने से भी मुंह में फ़ायदा मिल सकता है। लौंग के तीन फायदे तो आप लोगों ने जान लिए, आइए अब इसके कुछ नुकसान भी जान लेते हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि ये खून को पतला करता है। लौंग का तेल ब्लड को पतला करने में काम करता है, इसलिए यदि कोई हीमोफीलिया का पेशेंट है, पहले से ब्लड पतला है, तो उसे लौंग खाने से बचना चाहिए। इससे रक्त स्राव जैसी समस्याएं हो सकती है। अब आएंगे इसके दूसरे नुकसान पर, ब्लड शुगर घटाता है। लौंग ब्लड शुगर का लेवल बहुत तेज़ी से घटा सकता है, इसलिए जो लोग डायबिटिक हैं, दवा ले रहे हैं, उन्हें लौंग डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए और गर्मियों में उसका सेवन भी सीमित करना चाहिए। अब आएंगे इसके तीसरे नुकसान पर, लौंग की तासीर बहुत गर्म होती है। ऐसे में गर्मी में लौंग या लौंग का पानी का सेवन गर्मी के साइड इफ़ेक्ट बढ़ा सकता है। गर्मियों में इसका सेवन बहुत सीमित करना चाहिए और जिस तरीके से मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था उसी तरीके से करना चाहिए। तो ये थे लौंग के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान। अब इनको लेकर आप लोगों के कुछ सवाल भी हो सकते हैं, कुछ राय भी हो सकती है, हमारे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, बाकी खबरों के लिए तेज़ तर्रार के साथ बने रहें।